हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप बहुत परेशान होते होंगे, जियो का सिम तो आपको मिल गया है। जैसा कि मैंने पहले ट्रिक बताया था आपको जियो सिम कैसे पाना आपको, और फिर उसको अनलिमिटेड कैसे करना है ये भी आपको पता चल गया होगा। पर एक बात, आपको एक प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे आप कि ये तो अनलिमिटेड हो गया पर स्पीड नहीं चल रहा। तो आपको अगर आपका अनलिमिटेड नहीं हुआ तो आप पहले हमारे प्रीवियस सीजन का वीडियो जाकर देखिए कि उसको अनलिमिटेड कैसे करना है। इसके बाद में फिर मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने मार्केट वगैरह ऐसे दोस्तों से भी सुना कि उनका अनलिमिटेड नहीं हो रहा, तो जिन लोगों का भी ये अनलिमिटेड हो नहीं रहा वो हमारा प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, तो आपका वो अनलिमिटेड हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कि ये अनलिमिटेड आपको हो गया पर आपको स्पीड कैसे बढ़ाना है। तो आप जैसा कि अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अरे मैं जिस जगह में खड़ा हूँ यहाँ पे आप देखिए ये एक जियो का टावर यहाँ पे लगा हुआ है। ये जैसा कि आप टावर देख रहे हैं जियो का लगा हुआ है। मैं खास तौर पे ये वीडियो आप लोगों को शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ मैं यहाँ इस जगह इतने दूर आया हूँ, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है ये, तो मैं यहाँ पे ये वीडियो आप लोगों को देने के लिए ही आया हूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि आपको स्पीड कैसे बढ़ाना है। तो आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पे ज़्यादा कुछ, ये सिर्फ आप देख रहे हैं। जैसा कि पहले एक काम कर लेते हैं, पहले देखिए ये डाटा मेरा ऑन है, मेरे पास एक जियो सिम है, वैसे तो है बहुत, मेरे भैया मेरे दोस्त सभी चला रहे हैं, सभी को मैं दिला चुका हूँ। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर करना क्या है। तो देखिए पहले आपको यहाँ पर मेरे पास है स्पीड टेस्ट मास्टर, ये देखिए यहाँ पे टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि स्पीड क्या है इसकी। ये जैसा कि आप देख रहे हैं स्पीड यहाँ पे हमारे 7 तक गई थी, 7 Mbps। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एवरेज स्पीड क्या है, ये देखिए 5.9 MB/s। तो अब मैं देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताऊँगा, ये स्टेप्स करने के बाद आपकी जो स्पीड है वो करीब 15 Mbps तक की जा सकती है। तो आप ये वीडियो को देखते रहिए और ये प्रोसीजर आगे ध्यान दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सो लेट कम टू द प्रोसीजर। आपको सेटिंग्स में जानी है, सेटिंग्स में जाके मोर पे जाकर देखिए सेलुलर नेटवर्क, ध्यान रखिएगा सेलुलर नेटवर्क, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में असेस पॉइंट नेम शॉर्ट फॉर्म APN में आपको हो जाना है। उसके बाद में ये जो आपका APN है उसके अंदर फिर से क्लिक करना है। आप ये ध्यान रखिएगा आपका जो नेम है नेम से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, APN जो है APN ज़्यादा आपको इसमें आपको स्पीड मिलेगी। तो APN रहना चाहिए आपका, देख लीजिए जियो नेट JIONET जियो नेट होना चाहिए यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे आपको APN टाइप इसको ये कर देना, आपका पहले से सिर्फ ये था डिफ़ॉल्ट होगा तो उसको डिफ़ॉल्ट प्लस SUPL करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, APN प्रोटोकॉल इसको चेंज कर देना है। देखिए APN प्रोटोकॉल IPv4 है तो आपको इसे IPv6 करना है, और इसे भी करना है IPv6। BRL जो है देखिए यहाँ पे अनस्पेसिफाइड होगा आपका, उसको LTE कर दीजिएगा। तो ये हो जाने के बाद में अब इसको सेव करना है। अब ये सेव करने के बाद में अब चलिए हम वापस टेस्ट में चलते हैं। ये देखिए स्पीड पहले से ज़्यादा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड अभी कुछ ही देर पे मिल जाएगी। अपलोडिंग की स्पीड से आपको कोई मतलब नहीं है, देखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड आपका 8.5 Mbps और पहले इससे कम थी। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि आपको सेटिंग्स में क्या करने से आपका स्पीड बढ़ता है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है तो कमेंट पे कमेंट कीजिए तो